दोस्तों मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है उसमें हमेशा हम लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं, ये मेगा हार्ट, ये 2 GHz, 1.5 GHz क्या है, ये स्नैपड्रैगन, ये एक्जीनोस, ये मीडियाटेक आखिर क्या है। उसके बाद दोस्तों जो कोर्टेक्स A53, A57, A59, A15 ये सब है क्या दोस्तों आखिर। हमारे जो फ्रेंड लोग होता है उन लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं हम लोगों को कि दोस्तों तेरा प्रोसेसर ख़राब है, मेरा प्रोसेसर अच्छा है, तेरा मोबाइल ख़राब है, मेरा मोबाइल अच्छा है, 10 मतलब बात बोल के कुल मिला के प्रोसेसर जो है हम लोगों को दिमाग का दही बना के रख देता है दोस्तों। लेकिन आज ले आया हूँ दोस्तों प्रोसेसर के बारे में इतना अच्छा एग्जांपल जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप हम 100% श्योर है कि आप प्रोसेसर का जो फंडा है आप आराम से समझ जाएंगे दोस्तों। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा प्रोसेसर के बारे में, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। हो सकता है कि इस टाइप का वीडियो आप यूट्यूब में पहले कभी देखे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस टाइप का वीडियो आप कभी देखे ही नहीं है यूट्यूब में। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर आप देखे भी होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से मेरा वीडियो को फिर से देख लीजिए, तो होगा यह है कि आपको चीज़ थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग, और इस वीडियो में बताने वाले हो दोस्तों आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान के चलिए आपको एक 4-व्हीलर लेना है, क्या नहीं लेनी है, है आपके पास, चलिए कोई बात नहीं, मतलब सोच लीजिए ना, सोचने में क्या दिक्कत है भाई, सोच लीजिए चलिए बहुत अच्छा। आप सोच लीजिए आपको 4-व्हीलर लेना है, तो आप 4-व्हीलर लेंगे आपको ज़रूरत के हिसाब से कि भाई हमको छोटे गाड़ी चाहिए या बड़े गाड़ी चाहिए, डिक्की में कितना जगह चाहिए, 7-सीटर चाहिए, 5-सीटर चाहिए, या डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ी, मतलब कुल मिला के एक नक्शा आप अपना दिमाग में बनाएंगे कि हमको इस टाइप का गाड़ी चाहिए। तो इस सिचुएशन में प्रोसेसर बनाने वाले कंपनी पहले जाता है आर्म के पास। आर्म एक कंपनी होता है दोस्तों, आर्म के फुल फॉर्म हो गया आपका एडवांस रिक्स मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन के जो प्रोसेसर होता है दोस्तों, प्रोसेसर का नक्शा जो है तैयार करता है। अब ये जो नक्शा है दोस्तों इसको ही हम लोग बोलते हैं कोर्टेक्स A15, A53, A57, A59, ब्ला 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 जो भी दोस्तों है। ए के जो नंबर है दोस्तों, ए के बाद जो नंबर लगा हुआ है, जितना ज़्यादा है नक्शा उतना एडवांस है, उतना अच्छा है, और उतना ही बेहतर है, और उतना ही मतलब पावरफुल है। तो दोस्तों आप समझ गए हैं A53 A57 आखिर वो सब चीज़ क्या होता है। अब दोस्तों आपका मन में गाड़ी का आपका नक्शा आ गया मन में, इस टाइप गाड़ी आपको लेना है। अब आप चॉइस करेंगे गाड़ी का कंपनी बोलते हैं दोस्तों आपका महिंद्रा का लेंगे, हुंडई का लेंगे, टोयोटा का लेंगे, मतलब क्या कौन कंपनी का गाड़ी आप लेंगे। सब कंपनी छोटे से बड़े गाड़ी या कम पावर से लेकर ज़्यादा पावर की गाड़ी बनाते रहता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों प्रोसेसर में आपका आ जाता है सैमसंग का एक्जीनोस, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन, आपका मीडियाटेक, एक स्पेक्ट्रम, या और भी एक दो कंपनी, कई कंपनी और भी आता है दोस्तों, लेकिन जितना कंपनी जो मतलब ज़्यादा फेमस है, अच्छा है, वो सब कंपनी का नाम आपको हम बता दिए। अब दोस्तों कंपनी समझ में आ गया, अब आपका मतलब कंपनी भी आप मन में सोच लिए भाई कौन कंपनी का गाड़ी हमको लेना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन के तरफ, मतलब आपको गाड़ी में कितना सीसी का इंजन चाहिए, मतलब 200 सीसी का चाहिए, 400 सीसी का चाहिए, 600 सीसी का चाहिए, 800 सीसी का, 1000 सीसी का, मतलब एग्जाम्पल दे रहा भाई समझ लीजिए, मतलब कितना सीसी का इंजन आपको चाहिए। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप अगर 200 सीसी का गाड़ी लेंगे तो इधर हो गया ड्यूल कोर, अगर 400 सीसी का गाड़ी लेंगे तो इधर हो गया आपका क्वाड कोर, अगर 600 सीसी का गाड़ी लेंगे तो इधर हो गया दोस्तों हेक्सा कोर, अगर 800 सीसी का गाड़ी आप ले रहे हैं तो इधर हो गया आपका ऑक्टा कोर, और 1000 सीसी का गाड़ी ले रहे हैं इधर हो गया आपका डेक्टा कोर। हाँ दोस्तों, जितना कोर्स का नंबर जितना ज़्यादा है उतना ही दोस्तों आपका प्रोसेसर पावरफुल है। जैसे कि आपका गाड़ी का सीसी जितना ज़्यादा होगा गाड़ी का इंजन उतना पावरफुल होगा, सेम चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ ड्यूल कोर में आपको 2 कोर मिलता है, क्वाड कोर में 4 कोर मिलता है, हेक्सा कोर में 6 कोर मिलता है, ऑक्टा कोर में 8 कोर मिलता है, और डेक्टा कोर में मिल जाता है दोस्तों आपका 10 कोर। तो दोस्तों आप कोर्स समझ में आ गया। आप आते हैं दोस्तों गाड़ी का परफॉर्मेंस की तरफ, मतलब आपका गाड़ी जो है 100 की स्पीड कितना जल्दी पकड़ सकता है, कई सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 मिनट, मतलब कितना जल्दी आपका गाड़ी 100 का स्पीड पकड़ सकता है। जितना जल्दी आपका गाड़ी 100 का स्पीड पकड़ेगा आपका गाड़ी उतना ही अच्छा है, उतना ही एडवांस है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं नैनोमीटर की तरफ, मतलब जितना कम नैनोमीटर है उतना आपका जो प्रोसेसर तेज है, उतना पावर कम इस्तेमाल कर रहा है, और उतना ही जो दोस्तों आपका प्रोसेसर एडवांस है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 28 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। आज तक जो सबसे कम नैनोमीटर में बना है दोस्तों वो 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर जो 2 कंपनी ने बनाया, एक हो गया सैमसंग का एक्जीनोस जिसका नाम हो गया आपका एक्जीनोस 8895, और बनाया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835। तो आप समझ गए दोस्तों नैनोमीटर का फंडा क्या है, जितना कम नैनोमीटर है उतना आपका प्रोसेसर तेज है, मतलब गाड़ी में जितना कम समय में 100 का स्पीड पकड़ता है उतना गाड़ी अच्छा है। इस सिचुएशन में क्या हो गया, जितना नैनोमीटर कम है उतना आपका मोबाइल का प्रोसेसर तेज है, उतना एडवांस है, उतना मतलब अच्छा है, और उतना पावर कम यूज कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं आपका गाड़ी का गियर बॉक्स की तरफ, मतलब आपका गाड़ी में कितना गियर लगाया गया है,
मतलब जितना गियर आपका गाड़ी में लगाया जाएगा उतना आपका गाड़ी हाईवे में तेज भागेगा, उतने ही आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे या पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं मोबाइल के जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्लॉक स्पीड की तरफ, मतलब 1.4 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz स्पीड की तरफ। मतलब जितना आपका क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा, जितना गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होगा, क्लॉक स्पीड ज़्यादा होगा, उतना ही आपका प्रोसेसर तेज है, उतना आपका प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएगा, ज़्यादा फास्ट काम कर पाएगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों प्रोसेसर का फंडा क्या है। तो इस सिचुएशन में देखा जाता है एक परफेक्टली बैलेंस, मतलब जैसे मान के चलिए आपका गाड़ी का जो है नक्शा बहुत अच्छा है लेकिन गाड़ी का इंजन कमजोर है, या इंजन बहुत अच्छा है लेकिन जो आपका गियर बॉक्स कम दिया गया है, या आपका गियर बॉक्स ज़्यादा दिया गया है लेकिन आपका शॉक स्पीड पकड़ने में वो थोड़ा सा मतलब लेट लगा रहा है, या लेट से पकड़ रहा है, तो दोस्तों गाड़ी आपका बेकार हो गया। तो दोस्तों परफेक्टली टोटल एक बैलेंस देखा जाता है इसमें, कि मोबाइल का हिसाब से नैनोमीटर सही होना चाहिए, क्लॉक स्पीड सही होना चाहिए, कोर्स होता है कोर्स भी सही होना चाहिए मोबाइल का हिसाब से, और दोस्तों आपका नक्शा है, नक्शा भी अगर एडवांस हो तो और भी अच्छा है दोस्तों। मतलब टोटल हर चीज़ का बैलेंस मिला करके एक तो प्रोसेसर बनता है दोस्तों। तो पूरा बैलेंस करके एक प्रोसेसर अगर बन रहा है तो प्रोसेसर होता है एक अच्छा प्रोसेसर, एक दमदार प्रोसेसर। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए हो प्रोसेसर के फंडा क्या है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हर रोज हम नए टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को जानकारी देते रहता हूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।